जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुलेंद्र पर में। दोस्तों मैं आज आपके लिए हनुमान जी की सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मुंबई की है। यह घटना हमें ईमेल द्वारा प्राप्त हुई है। जिन्होंने हमें अपनी घटना अपना अनुभव शेयर किया है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है। यह सत्य घटना आज से 2 साल पहले की है, जब हनुमान जी के जो भक्त थे जिन्होंने अपनी ये घटना अपना अनुभव शेयर किया है, उनका लड़का ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था। ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद उनके लड़के के फ़ोन पे एक वेबसाइट आई। फ़ोन खोलते ही बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, तो एक वेबसाइट आई कि रोज़ प्रतिदिन 2000 रुपये कमाएँ। अब उनके लड़के ने उस वेबसाइट पर क्लिक कर दिया। अब उनको वो समझ भी नहीं आया क्योंकि ये तो एक चक्कर भी हो, इसके अंदर फंस जाएँ तो फिर निकलना मुश्किल है। चाहे फ़ोन को बंद कर दो या स्विच ऑफ कर दो, फिर तो ये फ़ोन हैंग हो जाता है। तो उनके लड़के ने इसको अपने पिताजी को दिखाया, जो हनुमान जी के भक्त थे उनको दिखाया कि ये पिताजी देखिए ये ईमेल आया, एक वेबसाइट आई है। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब रोज़ घर बैठे बैठे 2000 रुपये कमाएँ। तो उन्होंने उस वेबसाइट पे फॉर्म था उसको फिल कर दिया, अपना एड्रेस, पिन कोड, आधार नंबर और जहाँ वो रहते हैं उस चीज़ का सब कुछ फिल कर दिया। उसके बाद उनका फ़ोन हैंग हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उनको कॉल आया, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके HR का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि बहला फुसला के भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप हमारे देख सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो उनको बहला फुसला लिए, प्यार से कहा। तो वो तो मिडिल क्लास आदमी है भाई, वो गरीब आदमी, तो वो सोच रहे कि यार घर पे क्या है, 2 से 3 घंटे खाली बैठता हूँ, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर लूँगा तो कम से कम घर बैठे बैठे पैसा भी कमा लूँगा। वो अपनी साइड जॉब भी करते थे अलग, इससे अलग। तो उन्होंने फिर काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने एग्री कर दिया हाँ जी मैं काम करूँगा। काम करते रहे करते करते रहे, 20 से 25 दिन हुए, उसके बाद उनको एक बड़ा ऑफ़र आया। फिर कंपनी ने उनको एक बड़ा ऑफ़र दिया लोन का, उसमें लिख रहा था कि 10 लाख रुपए आपको आप लोन ले लो। तो उन्होंने लोन ले लिया, वो ऑनलाइन एग्रीमेंट आया था। अब वो 10वीं पास थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस पर एग्री का ऑप्शन आया था और उसमें ये भी लिख रहा था, पर कंपनी बताती कुछ और है और होता कुछ और है। उसमें लिख रहा था कि 10% ब्याज पे, पर वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उस पर आई एग्री पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बीतते गए, उसके बाद उनको पता चला कि 10% ब्याज के हिसाब से 50 से 60 हज़ार रुपये महीने हो गए ब्याज के। अब वो सोचने लगे, टेंशन हो गई उनको, तो उन्होंने पैसा इस्तेमाल भी नहीं किया 10 लाख रुपए, उसको कंपनी को वापस कर दिया। और वापस करने के बाद फिर कंपनी वालों का फ़ोन आता था, धमकी देते थे। तो उन्होंने इसके बाद पुलिस की सहायता ली, उनको टेंशन होने लगी, पड़ोसियों को भी बताया, कोई उनकी सहायता करने नहीं आया, रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि आज के टाइम पे भाई कोई मदद नहीं करता है, कोई मुसीबत में होता है तो मदद भी नहीं करता है। तो पुलिस वालों ने भी कह दिया कि क्योंकि पुलिस वाले कहने लगे कि हम उनकी लोकेशन ट्रैक करेंगे तो लोकेशन बताती कुछ और है, वो लोग होते कहीं और हैं। अब उनको बहुत टेंशन होने लगी। तो जैसे कि आपको पता है कि वो हनुमान जी के भक्त थे, वो हर मंगलवार को 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और सुंदरकांड करते थे। अब उनको बहुत टेंशन होने लगी, बीवी बच्चे भी टेंशन में रहने लगे। तो उन्होंने फिर हनुमान जी के पास अर्जी लगाई कि हे प्रभु मैं ऐसे ऐसे चक्कर में फंस गया हूँ, मुझे इस रंजिश से बचाइए। अर्जी लगाने के बाद 2 मंगलवार ही बीते थे कि जो सारे फ़ोन कॉल, जो सारी धमकी आती थी वो बंद हो गई। हनुमान जी की कृपा से वो सारी धमकियाँ और वो सारे फ़ोन कॉल बंद हो गई और वो अपना खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों कभी भी ऐसे कोई वेबसाइट आए या इंश्योर वेबसाइट है उस पर आप कभी भी क्लिक मत करो। कोई भी अचानक वेबसाइट आ जाती है तो आप उस पर क्लिक मत करो, इससे आप बहुत बड़ी साजिश में फंस सकते हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना हो तो हमें ईमेल द्वारा शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके दोस्त या आपके ग्रुप सर्कल में हैं उनको भी पता लगे कि हम इस वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करके इस चक्रव्यूह में ना फंसें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।